नमस्कार बच्चों, आज मैं इस वीडियो के दौरान एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। तो ये कविता तुम लोग अपना जो किताब है गुंजन हिंदी पाठमाला 2, वहाँ पर तुम लोग ये जो कविता है वो देख सकते हो। तो सभी बच्चे पहले ही अपना जो किताब है गुंजन हिंदी पाठमाला वो निकालें और चिड़िया का गीत नामक ये कविता जो है पेज नंबर 89 में वहाँ पर जाए। देखो, चिड़िया का गीत, ये चिड़िया का नामक जो गीत का चिड़िया का गीत नामक जो कविता है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी पहले हम लोग जो कविताएं पढ़ते थे परे हम लोग जो कविता हम लोग सिलेबस के थ्रू हम लोग जो पढ़े हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई कवि जो है उसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर चिड़िया का गीत नामक कविता जो है यहाँ पर कवि का नाम नहीं है, कोई ना कोई तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कवि का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, कवि का नाम हम लोग नहीं देख सकते। तो चिड़िया का गीत ये कविता हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखो बुक में ही लिखा है कि चर्चा करें। तो चर्चा करें ये जो है यहाँ पर क्या क्या है। सुबह होने पर आसमान में पेड़ों पर, छज्जों पर, घर की मुंडेरे पर क्या देखते हैं। जब सुबह होती है तब हम लोग आसमान में, फिर पेड़ पे, फिर हम लोग छज्जों पर, हम लोग जो वहाँ पर जो छत जो है वहाँ पर जो देखते हैं, फिर हम लोग जो उसको क्या क्या बोलते हैं उसको विंडो के जो पास का जो जगह है वहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं चिड़िया। सुबह होती, लेकिन आजकल हम लोग नहीं देख सकते। ये बहुत ही दुख भरी एक बात है। लेकिन क्यों हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग आज बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर नेटवर्क, फॉर नेट माने नेट कनेक्शन। सो उसके लिए ये जो 4G 5G जो नेट है ना, उसके लिए हम लोग वो नहीं देख सकते, चिड़िया नहीं देख सकते। अभी ज़्यादा चिड़िया नहीं आते हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले वहाँ आता था, जब सुबह होता था तो ऐसा होता था। चिड़िया अपने क्या क्या काम खुद करती है, चिड़िया क्या क्या करती है। सुबह के समय चिड़िया को चिड़िए के उसकी आवाज़ सुनकर कैसा लगता है। जब सुबह होती है ये लोग, ये बात हम अपने हम लोग जब छोटे थे हम लोग देख चुके हैं, हम लोग सुन चुके हैं कि चिड़िया जब सुबह होती है तब क्या होता है, चिड़िया आता है और चिड़िया आने से उसका जो चिड़िया का जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठा लगता है। ठीक है, छोटी सी चिड़िया बहुत मेहनती होती है, छोटी छोटी चिड़िया जो तिनके जोर जोर कर अपना घोंसला बनाती है। क्यों होती है ये मेहनती, इसको घोंसला बनाना है, घोंसला नेस्ट जो है वो बनाती है। वे हमेशा खुश रहती है और यही सीख देती है। चिड़िया जो है वो हमेशा ही बहुत ही मेहनती होती है और क्या होती है, वो बहुत ही खुश रहता है। तो खुश रहने से वो वही सीख हम लोगों को भी देती है। ठीक है, सूरज के उगने ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। तो देखो ये जो कविता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूरज के उगने ही चिड़िया, जब सूरज उगता है तो चिड़िया क्या करती है, मीठा गीत सुनाती है। चिड़िया तब मीठा मीठा गीत हम लोगों को सुनाती है, चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। वो चिड़िया का आवाज़ जो है मीठा मीठा आवाज़ है, चू चू ची ची करके सभी मीठे ये आवाज़ से सबको ही वो खुश कर जाती है। दूर दूर तक पर फैला कर
दाना चुगने जाती है, दूर दूर तक पर फैला कर का मतलब है उसका जो विंग्स है वो ऐसे करके फैला के वो साइड में फैला कर वो दूर दूर तक जाती है। दिन दाना चुगने जाती है, क्यों जाती है? दाना चुगने, खाना खाने जाती है, ठीक है। तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीर बनाती है, छोटा छोटा छोटे छोटे जो तिनका तिनका वो ट्विग होता है उसको लेकर वो एक घोंसला बनाती है छोटा छोटा ऐसे करके। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वो सहलाती है, सर्दी हो या गर्मी हो या वर्षा के टाइम में हो जो भी है वो चिड़िया सभी समय बहुत ही खुश रहता है और हंसकर वे सब कुछ सह लेती है। आप खुशी से जीती है और खुशियाँ ही फैलाती है। वो क्या करते हैं चिड़िया? वो चिड़िया हर वक्त बहुत ही खुश रहता है, खुश रहता है और खुश रहने से वो खुशियाँ भी फैलाती है। अगर हम लोग खुश रहे, जैसे ये भी चिड़िया है, चिड़िया खुश है और खुशी सभी के साथ ये बांटती है, वैसे ही अगर हम लोग भी खुश रहते हैं सर्वदा तो हम लोग भी सबको खुश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चिड़िया का गीत जो है, जो चिड़िया जो है वो क्या करती है, सुबह उठती है, सूरज जब उगता है वो सूरज के साथ ही उगता है, सुंदर मीठी मीठी आवाज़ से हम सबको सबका मन बहलाती है, फिर वो दाना चुगने कैसे जाते हैं, पंख फैला के वो बहुत दूर दूर तक दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका छोटा छोटा करके वो सब चीज़ ले आती है और वहाँ पर अपने आप ही वो एक घोंसला भी बनाती है। सर्दी हो या गर्मी हो या वर्षा हो, कोई भी टाइम हो, वो सभी समय बहुत ही खुश रहता है और वो हंसकर सब कुछ सह लेती है। आप खुशी से जीती है, अपने आप ही खुशी खुशी में जीती है और सबको जीने की ताकत भी देती है। जब अगर वो खुश है तो वो बोलती है कि ऐसे नहीं बोलते, लेकिन वो उसका वो हम सभी को सिखाती है कि कैसे खुश रहना चाहिए। अगर वो अपने आप खुश रहो तो सबको हम लोग खूब खुश भी रहे, हम लोग कोशिश करेंगे। अगर अपने आप ही हम लोग दुखी है, अपने आप ही अगर हम लोग खुश नहीं हैं तो किसी को हम खुश नहीं रख सकेंगे, लेकिन अगर हम खुश हैं तो सभी को हम खुशियाँ दे सकते हैं। यही सीख चिड़िया हम लोगों को देती है।